डॉक्टर साहब, बेटे की उम्र 14 साल लेकिन कद कुछ भी नहीं, सिर्फ 3.5 फुट है। डॉक्टर के मुताबिक इसको थायराइड का मसला है, उसकी दवाई भी खा रहा है। बराए मेहरबानी तिब्बे नबी की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, 5 काम करो जिसको थायराइड की वजह से उसके हार्मोन इंबैलेंस हैं और उस हार्मोन इंबैलेंस की वजह से हाइट रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है, जिसम में मुख्तलिफ प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा वाला लो और पानी छान के मिट्टी के गड़े में डाल के वो पियो। दूसरे नंबर पे क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो खाना है कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक असूल बना लो। अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी में वापस जाना है, कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से उठाया जाना है। जो चीज़ मिट्टी से निकलती है वो खिलाओ। मिट्टी से क्या निकलता है? फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, अजनास, कुदरती चीज़ें। जो चीज़ रिफाइंड होती है, प्रोसेस होती है, केमिकल वाली है, अननेचुरल है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, आर्टिफिशियल फूड है, बेकरी की आइटम है, बारबेक्यू है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जेटिक ड्रिंक है, फिजी ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, बंद करो। जिस चीज़ में ब्रॉयलर चिकन है, चाहे बर्गर है, शवारमा है, जिंगर है, पिज़्ज़ा है, बंद करो। कुदरती चीज़ें खाओ, कुदरती चीज़ें खाओ। 70% फल और सब्जियां खाओ, 20% अजनास खाओ और 10% एनिमल प्रोडक्ट लो, जिसमें दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, पनीर है, मटन है, बीफ है, चिकन है, अंडे हैं, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी की आइटम और दूध से बनी सारी की सारी चीज़ें और सी फूड। ये 10% खाओ। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। खाना खाने से आधा घंटा पहले कलवंजी और मेथी दाने वाला पानी पिलाओ। खाने के साथ अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी प्लस 10 सब्जियों का सलाद दो। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, 5 दवाइयां हैं, ये तो कलवंजी, मेथी दाना और अदरक लहसुन की चटनी। इसके साथ बांस का मुरब्बा खिलाओ, बांस का मुरब्बा खिलाओ। कितना खाना है? जितना बच्चे की तबीयत माइल करे, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, 8 चम्मच, 10 चम्मच, जितना वो खाना चाहे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। इसके साथ उसको स्किपिंग कराओ, ये जो रस्सा फैलांगते हैं, और पंजों पे नहीं फैलाना, उसे कहना पूरे पाँव पे। जब वो जंप लेगा, जब वो अपने आप को पुशअप ऊपर करेगा, ज़मीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो उसको नीचे खींचेगी। वो अपने आप को ऊपर पुशअप करेगा, ज़मीन नीचे खींचेगी, उसके जोड़ खुल जाएंगे, उसकी हड्डियाँ लंबी होंगी। इसी तरह बास्केटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो। और मेरे मोहतरम भाइयों, तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है, वो दुआ है, वो दुआ है। जब खाना खाओ दुआ मांगो, अल्लाह इस खाने को मेरा कद बढ़ाने वाला बना दे, इसको मुझे सेहत देने वाला बना दे, इसको मुझे तंदरुस्ती देने वाला बना दे, इसको मेरे बदन की सारी ज़रूरियात पूरी करने वाला बना दे। तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो क्या है? वो दुआ है।